जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए जिन्होंने MDL में अप्लाई किया था। बात करें हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, तो यहाँ पर जिन्होंने भी अप्लाई किया था, जो आपका रिक्रूटमेंट था जिसमें कि 3 वर्षों के लिए आपको रखा जाता है, उसके बाद 1+1 वर्षों के लिए आपकी अवधि जो है वह बढ़ाई जाती है, तो इसके संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ पर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है जिनका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो यह रिक्रूटमेंट था आपका 97/2023, 97/2023 आपका रिक्रूटमेंट नंबर था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ट्रेड की अगर हम बात करें तो सभी ट्रेड का यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है निकल के आया था, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी अप्रॉक्सिमेटली सभी ट्रेड को यहाँ पर बुला लिया गया। तो डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, कैसा क्या सिनेरियो रहने वाला है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि वीडियो को लाइक सभी कर दीजिए, साथ ही साथ आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर की, तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर आप देख सकते हो MDL/HR। अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो 97/2023 यह आपका था रिक्रूटमेंट नंबर। अगर यह सूचना की बात करें नोटिस किससे संबंध में आया, तो दस्तावेज सत्यापन मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट का शेड्यूल के बारे में आया कि कब कब आपको बुलाया जाना है। ट्रेड वाइज बात कर लेते तो यहाँ पर कारपेंटर्स, चीपर्स ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर, डीजल का मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, गैस कटर, जूनियर ड्राफ्टमैन, जिन्होंने भी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था सभी का यहाँ पर जो है यहाँ पर डेट आ चुका है ट्रेड टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए। ध्यान में रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, सबसे पहले आप उनको समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम के रहने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया क्या है क्या नहीं है। कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी शेड्यूलिंग विद वैलिड नॉन क्राइम लायर, आपके पास में OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो जो आपका सेंट्रल जाति होता है NCL सर्टिफिकेट होता है वह भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके जाना है। इसी के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है और ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। तो यह चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 4, कि आप सबसे पहले अपना जो क्वालिफिकेशन है चेक कर लीजिए कि जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया था क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल करते हो कि नहीं। लगभग सभी स्टूडेंट फुलफिल करते होंगे, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होते ज़्यादातर कैंडिडेट जो कि यहाँ पर फर्जी अप्लाई करें। 5वां पॉइंट दिया है यहाँ पर कि आपका जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते तो आपको ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट में नहीं बैठाया जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर दिया है कि हमने ITI की है यहाँ से की है और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं बैठाया जाएगा, यहाँ पर वो बताया गया है। अब कैमरा मोबाइल आदि आपको अपने कैमरा मोबाइल या जो भी आपका सामान रहेगा उसकी कंपनी आपको खुद मतलब आपको खुद उसका इंतजाम करना है कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग में लेट नहीं होना चाहिए, अगर लेट होते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। शेड्यूल की बात करें अगर हम कि कहाँ पर आपका वेन्यू रहने वाला है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल जिसको कि आप ATS के नाम से जानते हो, MTS और यह गेट नंबर 10 में 9 में आता है। अगर हम इसके एड्रेस की बात करें कि आपको कहाँ पर पहुँचना है, सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लो तो यहाँ पर देखिए 2 डेट में आपका शेड्यूल रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका पहले होगा, अगले दिन होगा आपका स्किल टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें और स्किल टेस्ट की बात करें दोनों के लिए वेन्यू जो है आपका एक ही रहेगा, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल जिसको कि ATS कहा जाता है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गेट नंबर 9 ध्यान में रखिएगा, और डॉकयार्ड रोड मुंबई यह आपका एड्रेस है। अगर हम बात करें ट्रेड वाइज की किस किस स्टेट के, तो यहाँ पर लगभग 1700+ कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिए, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ अपना नाम चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, ट्रेड दिया है कि आपका ट्रेड कौन सा है, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट दी है, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट की डेट मिलेगी। यह आप देख सकते हो सबसे पहले गैस कटर वाले का है, तो यहाँ पर नाम है मिस्टर अभिषेक का, ट्रेड है उनका गैस कटर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका ये रहा, 4 दिसंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और 5 दिसंबर को उनका स्किल टेस्ट है। तो जब भी आप स्किल टेस्ट देने जाओ यह चीज़ ध्यान में रखिएगा
कि 2 दिन का शेड्यूल बना के जाइएगा। 2 दिन के आपके पास हर चीज़ होना चाहिए, चाहे वह पैसे हो, चाहे वह सामान हो या अवेलेबिलिटी हो, जो भी हो आपके पास 2 दिन का सब कुछ होना चाहिए। 2 दिन का वेन्यू यहाँ पर आपका रखा गया है। सबसे पहले होगा आपका DV मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ पर बहुत से लोग छट जाएंगे अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स कन्फर्म नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे। आगे हम वह डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेड को देख लेते हैं, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नाम मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा एक एक, लेकिन यहाँ पर ट्रेड और उनका यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि गैस कटर वालों का है लगभग 4 तारीख को। इसके बाद में अगर आगे हम बात करें तो आगे भी कई ट्रेड वालों का है, जैसे 4 तारीख को ही जूनियर डॉक्यूमेंट आदि का है। अगर हम ITI स्टूडेंट की और ही बात कर ले यहाँ पर, तो लगभग सभी का यहाँ पर आप देख सकते हो आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग लगभग सारे कैंडिडेट का है। PDF काफ़ी लंबा है, इस PDF को मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपना नाम चेक कीजिए, आपने जिस भी ट्रेड से अप्लाई किया था, और वहाँ पर आपका डेट देख लीजिए कब आपका डेट है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद ज़रूर आप यहाँ पर स्किल टेस्ट देने जा सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।